हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, मैंने आपसे लास्ट क्लास में जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, और इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल दी हुई है। आपको कैटेगरी वाइज टॉपर्स के नाम बताने हैं कि मेल और फीमेल है यहाँ पर स्टूडेंट, तो मेल में कौन टॉपर है, फीमेल में कौन टॉपर है। मार्क्स का ऑर्डर किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही वाले मार्क्स हो, हम कैसे भी मार्क्स रखें किसी भी तरीके से, हर केस में हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जैसे ये वाला डेटा, इसमें हमारे पास मेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो रोहन टॉपर है, और फीमेल में 91 मार्क्स है हाईएस्ट, तो दो टॉपर है, एक समा परवीन है और एक रूबी है, ये दो टॉपर है। तो हमारे पास 104, 106 और 110 वाली रो सेलेक्ट होके आनी चाहिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, बच्चों ने काफी ने ट्राई करी, लेकिन जब हम नॉर्मली इसको ट्राई करते हैं तो अगर आप ग्रुप बाय नॉर्मल वे में कर देते हैं, मार्क्स के जेंडर के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बाई कर देते हैं और मैक्सिमम मार्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाम सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि ग्रुप बाई जो क्वेरी होती है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ग्रुप बाई हमेशा फर्स्ट रो को सेलेक्ट करती है, ग्रुप की फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो फ्रॉम ईच ग्रुप, ठीक है, हर ग्रुप में से फर्स्ट रो सेलेक्ट करती है। प्रॉब्लम क्या हो जा रही है जो बच्चे गलत दे रहे हैं उनके साथ, या नॉर्मली हम देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, सही आंसर क्या है, किन बच्चों ने दिया, उनके भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में नाम बताऊंगा, और किस तरीके से आप इसको बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो बताएंगे। अगर आप कहते हैं कि इसको सेलेक्ट कर ले हम, ठीक है, कि हमने सेलेक्ट कर लिया मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, और ग्रुप बाई लगा दिया आपने जेंडर, ठीक है, तो यहाँ पर 91, 98 आ गए, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 91 फीमेल में है और 98 मेल में है। अब आप अगर इसमें जो है बेटा जेंडर भी सेलेक्ट करना चाहते हो साथ में, तो जेंडर भी आ गया, फीमेल के 91, मेल के 98, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, देखो जब आप ग्रुप बाई करते हो तो जो जिस चीज से आप ग्रुपिंग कर रहे हो वो कॉलम आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो करेक्ट आएगा। यहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो भी आपके पास करेक्ट आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे उस पे जाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरे उस पे क्या मतलब अब मैं इसमें नाम भी, उन बच्चों का नाम भी अगर सेलेक्ट कराना चाहता हूँ इस क्वेरी में, मैंने अगर यहाँ पे नाम भी ऐड कर दिया तो क्या होगा, नाम नेहा और रोहित आने लगा, नेहा और रोहित, जबकि नाम नेहा तो नेहा के तो 85 मार्क्स है, नेहा क्यों आ रहा है, रोहित के जो है 91 मार्क्स है, क्यों आ रहा है, तो क्या होता है ग्रुप बाई क्या करता है, पहले इसने मेल का अलग ग्रुप बना लिया, फीमेल का अलग ग्रुप बना लिया, तो मेल के ग्रुप में पहली रो रोहित वाली मिलेगी आपको, ठीक है, पांच मेल है इसमें, पांच फीमेल, तो पहली रो रोहित वाली और फीमेल में नेहा वाली, फिर इसने ग्रुप तो कर दिया, अब उसमें से मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए, मैक्सिमम मार्क्स जो है 91 मिल गए फीमेल में और मेल में 98, तो मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। जेंडर में पहली रो इसमें नेहा वाली है, इसमें रोहित वाली, तो एफ एम मिल जाएगा और नाम भी नेहा रोहित मिल जाएगा। तो जो हमारे पास ये लगाया हुआ एग्रीगेट फंक्शन वो तो उसने कैलकुलेट करके निकाल लिया, बाकी जो चीजें हैं वो फर्स्ट रो से निकाल कर दे दी, तो नाम तो गलत आ गए यहाँ पे, तो आपको दो तक तो ये चलो इन चीजों को आप निकाल रहे तो सही आंसर मिल गए, लेकिन इससे आगे आप निकालेंगे तो आपके पास गलत आंसर आ जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे स्टार कर देंगे कि मुझको पूरी डिटेल चाहिए, तो फिर तो यहाँ पे सारे ही गलत हो गया, हर ग्रुप का पहली लाइन दे दी उसने, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने सोल्यूशन ये किया कि इसमें सब क्वेरी लगाई जाए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर ना करके यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि वेहर लगा दिया, वेहर मार्क्स जो है
वो इन लगा दिया क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों के हो सकते हैं, और आपको पता सब क्वेरी में जो है एक ही रिजल्ट निकाले, एक से ज्यादा आएंगे तो इन लगाते हैं, या फिर आपको ग्रेटर इन लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट लगाना पड़ेगा, सिंगल पे आप इक्वल टू लगा सकते हैं, मल्टीपल पे ये सेलेक्ट कर लिया हमने मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर ग्रुप बाई जेंडर कर दिया है। तो इसमें भी क्या हो गया, हमारे पास देखो रिजल्ट इस तरीके से आ गया, पहले इसने मैक्सिमम मार्क्स निकाले जेंडर के, 91 और 98 आ गए। तो 91 और 98 ये मैक्सिमम मार्क्स तो आ गए, यहाँ पे 85 और 91 मारे थे वो तो प्रॉब्लम सोल्व, लेकिन नाम की प्रॉब्लम अब भी सोल्व नहीं हुई, नाम की रोहित रूबी रोहन समा परवीन इस तरह देखो। हाँ, नाम की प्रॉब्लम सोल्व हुई है, नाम की भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, रूबी के ही है 91, समा परवीन के ही है 91, रोहन के ही है 98, लेकिन रोहित एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा 91 और 98, हमने ग्रुप बाई तो इसको करा है, अब जेंडर को अंदर वाले को उसने 91 और 98 दे दिए बेटा। अब 91 और 98 मार्क्स किसी के भी हों, उसमें इस बाहर वाली आउटर क्वेरी में तो जेंडर की बात ही नहीं हुई है, जेंडर की बात हुई अंदर वाली क्वेरी में, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये वाला आंसर दे रहे थे। तो इसमें बेटा अगर मार्क्स 91 जो है मेल में एक और के आगे, जबकि हाईएस्ट तो 98 था, तो 91 वाला मेल में क्यों आ रहा, फीमेल में तो चलो टॉपर के बराबर है, बराबर आ गए, तो यहाँ पे अगर बराबर होते तभी तो आते, ये 91 यहाँ पे क्यों आ गया, 91 तो टॉपर नहीं है, रोहित तो टॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसने तो 91 कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उसको भी दे दिया यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस क्वेरी में जो मुझको आंसर दिए उसमें से 80% स्टूडेंट ने ये वाली क्वेरी का आंसर दिया, और इस वाली क्वेरी में प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर दूसरे ग्रुप का टॉपर के मार्क्स दूसरे ग्रुप के जो टॉपर नहीं है उसके इक्वल हो गए, तो वो जो टॉपर नहीं है वो भी आ जाता है हमारे पास। अगर इस रेंज में अगर यहाँ पे 91 ना होते, इसके 91 से अलावा और कुछ और होते, ठीक है, तो नहीं आता ये, तो क्वेश्चन आपको लगता कि मेरा तो सोल्व हो गया, आपने उस तरह से कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब इसके बराबर हो गए तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पर भी बेटा क्या करना होगा, आउटर क्वेरी में भी जेंडर को लेना पड़ेगा, तो आउटर क्वेरी में भी जेंडर को हम यहाँ पे ले लेंगे, और सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तो ज्वाइन से भी कर सकते हो आप, कुछ बच्चों ने ज्वाइन का भी दिया कि इनर ज्वाइन लगा दिया, यूनियन लगा दिया, यूनियन से भी आप यानी फुल आउटर ज्वाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम बात करेंगे यहाँ पर जब ये है, और ये सबसे आसान तरीका है इसका सोल्व करने का, यहाँ पर जेंडर भी कर दो, ठीक है, जब यहाँ पर दो कॉलम हो गए तो सब क्वेरी में भी कर दो भाई, इसी तरह से यहाँ पर भी जेंडर, जब ये जितने कॉलम यहाँ पर इतने कॉलम यहाँ पर, रिजल्ट अब कोई से भी मार्क्स किसी भी ऑर्डर में कैसे भी रख लो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट वो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेहर ब्रैकेट में आपको लिखना होगा जेंडर कोमा मार्क्स इन, सब क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट जेंडर कोमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सेंडर, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो सबसे इजी वे का आंसर है इसका ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, और भी तरीके हैं, कुछ बच्चों ने और भी तरीके दिए थे, नेट से ढूंढे होंगे, इधर उधर से कहीं से भी ढूंढे हो, लेकिन ट्राई तो किया, उन्होंने भी सही आंसर दिए, उनके भी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप फुल आउटर ज्वाइन से भी कर सकते हैं कि मेल वाले अलग निकाल लिए, फीमेल वाले अलग निकाल लिए, ठीक है, फिर उसमें यूनियन कर दिया या और लगा दिया, तो उससे आप कर सकते हो, यूनियन से और से इनर ज्वाइन टेबल को एक निकाल के उसका दूसरा नाम देके उसका वो इनर ज्वाइन लगा के आप कर सकते हो। तो बेसिकली लेकिन सबसे आसान तरीका जो हमें ये है, और ये वाला आंसर जो है इस आसान तरीके का आंसर, ठीक है, जिस बच्चे ने किया है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है, जिसने इस ये वाला आंसर दिया था, बाकी ने भी दिया, और उनका नाम है नवीन धाकड़, ठीक है, नवीन धाकड़, और दूसरा एक इनर क्वेरी का जो आंसर था
ठीक है, उससे दिया है अभय सर ने। दो तीन बच्चों ने और आंसर दिए लेकिन उनकी क्वेरी जो है कंप्लीट नहीं थी, या तो नेट से उन्होंने रन करा के नहीं देखी होगी जो और की आउटर जॉइन की क्वेरी थी वो है। वैसे अगर मैं बताऊं कुछ बच्चे हैं जैसे हिमांशु, ठीक है, हिमांशु है, और एक बच्चा है हरिशंकर, ठीक है, हरिशंकर। तो इन बच्चों ने जो है इसका आंसर और के थ्रू दिया था, ठीक है, मतलब एक फीमेल का अलग निकाल लिया, मेल का अलग निकाल लिया, दोनों का और कर दिया, ठीक है। तो इससे भी कुछ बच्चों ने यूनियन दिया लेकिन उनकी क्वेरी करेक्ट नहीं थी, इन चार बच्चों की बिल्कुल करेक्ट क्वेरी आई थी, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी पैकेज लेना है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्वेरी में हमने सेलेक्ट किया है नवीन धाकड़ को, इनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है क्वेरी इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अभी मैंने एक दूसरी क्विज भी अपलोड की है एक्सेल का, इसमें है डेट को कन्वर्ट करने का, उसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, और उसके आंसर के बाद जो है हम आगे आपसे कांटेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम कल अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सभी खुश रहें।